पुरुषों के जननांगों से रिलेटेड हाइड्रोसिल या वेरिकोसिल जैसी समस्याएं बड़ी कॉमन हैं और इन समस्याओं में योग का अभ्यास करना आपको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। आज की वीडियो में मैं ऐसे चुनिंदा लेकिन रामबाण योग आसनों का अभ्यास आपको बताऊंगी, जिनका अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो इससे जननांगों से रिलेटेड किसी भी तरीके की समस्याएं, स्पेशली आपके हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल जैसी समस्याओं से उबरने में आपको मदद मिलेगी। हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल है क्या? हाइड्रोसिल में अंडकोश में पानी का इकट्ठा हो जाना, जिसके कारण अंडकोश का साइज बढ़ जाना। वेरिकोसिल यानी आपके टेस्टिस के आसपास की जो नसें हैं उनमें सूजन आ जाना। इन दोनों समस्याओं के कारण पुरुषों को बड़ी ही असुविधा होती है, कभी कभी तो बहुत असहनीय दर्द भी होता है। इससे उनकी यौन क्षमता में भी इसका असर पड़ता है, इसके अलावा आपकी प्रजनन क्षमता में भी इसका बहुत अधिक असर पड़ता है। आपके टेस्टोस्टेरोन जो है उनका लेवल कम होता है, स्पर्म काउंट जो है उसमें कमी आती है और साथ ही संतान की उत्पत्ति में भी इसमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल ऐसी समस्याएं नहीं हैं जिनसे आप उभर नहीं सकते हैं। आपको डॉक्टर की सलाह तो ज़रूर लेनी चाहिए, साथ ही साथ योग का अभ्यास करना चाहिए जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि सारे अभ्यास आप अच्छी तरीके से समझ जाएँ और इनको निरंतर अभ्यास किया करें। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं, पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। अगर आपने घंटी का निशान नहीं दबाया है और अगर भूल गए हैं तो घंटी का निशान भी जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आप फ्यूचर में आने वाली कोई भी मेरी वीडियोस मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कपालभाति क्रिया का अभ्यास, जो कि आपको हर रोज ज़रूर करना चाहिए। और कपालभाति क्रिया का अभ्यास अगर आप वज्रासन में बैठकर करें तो उससे ज़्यादा और बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके घुटनों में दर्द है और आपकी एंकल्स इतनी फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो इसी तरीके से क्रॉस लेग पोजिशन पर बैठ कर यानी सुखासन में बैठ के आप कपालभाति क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथों को घुटने पर रख के, आँखों को बंद करके, अपने ध्यान को नासिका के द्वार पर रख के, सांस को सिर्फ आपको छोड़ना है और सांस लेने की चिंता नहीं करनी है। जब आप सांस छोड़ेंगे तो सांस का छोड़ना एक्टिव एक्सेलेशन होगा और सांस का लेना पैसिव होगा, यानी इनहलेशन आपका पैसिव होगा। तो किस तरीके से अभ्यास करेंगे? आँखों को बंद कर लेंगे, कमर गर्दन को सीधी रखेंगे, चेहरे को बिल्कुल तनाव मुक्त रखेंगे, कंधों को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी होगी और फिर उसके बाद अपने एक्सेलेशन पर ध्यान देंगे, सांस को छोड़ने पर। इस तरीके से आप जिनके घुटनों में दर्द नहीं है या एंकल में दर्द नहीं है वो वज्रासन में बैठ जाएंगे। इस तरीके से ऐसे अपने दोनों पैर के अंगूठों को जोड़ेंगे, एड़ियों को बाहर रखेंगे, घुटनों को एक दूसरे के साथ रखेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से थाई के ऊपर रखेंगे, अपने थंब को, अपने अंगूठे को इंडेक्स फिंगर यानी अंगूठे के बगल वाली उंगली के साथ जोड़ देंगे, बाकी की तीन उंगलियां बाहर की तरफ रखेंगे और अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए एक्सेलेशन पर ध्यान देंगे। कपालभाति क्रिया इस तरीके से, तो कपालभाति क्रिया का अभ्यास आपको बहुत मदद करेगा। साथ ही वज्रासन का अभ्यास जब आप करेंगे तो इससे आपके अंडकोश के आसपास हल्का दबाव पड़ेगा। तो इस तरीके से वज्रासन में बैठकर आप कपालभाति क्रिया का अभ्यास कम से कम एक एक मिनट तो ज़रूर कर लें, एक एक मिनट के तीन बार अभ्यास कर लें, यानी एक बार अभ्यास किया रुक गए, फिर एक बार अभ्यास किया रुक गए, और इस तरीके से वज्रासन में जितनी देर आप बैठ सकते हैं उतनी देर में बैठिएगा। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ जिसका नाम है बद्ध कोण आसन। बद्ध कोण आसन या तितली आसन के नाम से भी आप सभी इसको जानते हैं। आपके पैर के तलवे को आप ऐसे जोड़ेंगे, दोनों पैर के तलवे को, सोल ऑफ योर फीट टुगेदर
ब्रिंग योर हील क्लोज टू द पेल्विक रीजन, अपने जननांग के करीब लेके आए। अब देखिए मेरे घुटने कैसे ऊपर की तरफ उठे हैं ना, इतना ज़्यादा गैप है। तो मैं क्या करूँगी, दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखूँगी और ऐसे कमर को, अपनी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे सीधा करूँगी। इससे क्या होगा, जैसे ही कमर आपने लेंथन की तो आपके घुटने स्लाइटली नीचे चले गए और फिर अपने दोनों पैर के तलवों को आपने धीरे धीरे ऐसे पकड़ा, उंगलियों को फंसा लिया और लॉक कर दिया। अब फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने घुटनों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे तितली के पंख की तरह फड़फड़ाएंगे। इससे क्या होगा, आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन होंगी, आपके जननांगों के आसपास जो रुका हुआ ब्लड है वो मोबिलाइज होगा और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और इससे आपके टेस्टिस को, आपके अंडकोश को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी इन समस्याओं से उबरने में। इसका अभ्यास कितनी देर करना है, कम से कम 1 मिनट तो कीजिएगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप अभ्यास कर लें तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आपको घुटनों को एक्टिवली ऊपर नीचे इस तरीके से ऐसे मूव करना है और फिर उसके बाद जब अभ्यास हो जाए तो कुछ देर के लिए अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख के हल्का से जेंटली ऐसे फ्लोर की तरफ पुश करना है। हो सकता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ना हो और आपका घुटना सिर्फ इतना खुले इस तरीके से, तो कोई बात नहीं, इतना खुलने पर भी आप इस तरीके से ऊपर नीचे मूव कीजिएगा और फिर लास्ट में जितना आपका पैर खुले, अगर इतना खुले तो हल्का सा पुश करिएगा। इस अभ्यास को करने के बाद अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से जोड़िए और हग कर लीजिए। हो सकता है बीच में पेट आए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यह अभ्यास आपको रिलैक्स करेगा। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं, हर दिन अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस आपको ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस जूम के माध्यम से सुबह 7 बजे से 8 बजे 1 घंटे के लिए कंडक्ट की जाती हैं, जिसमें आप हर दिन अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग निद्रा का अभ्यास, यौगिक क्रियाओं का अभ्यास, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। मैं आपको देख सकती हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, तो गलती के कोई चांसेस ही नहीं हैं। इन क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद आप शारीरिक रूप से तो मजबूत बनेंगे ही, मानसिक और आध्यात्मिक आपको प्रगति भी देखने के लिए मिलेगी। और आपको एक बात बताऊं, ये क्लासेस ज्वाइन करने के बाद मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनको अपनी हेल्थ कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, लड़कियों में PCOD, PCOS की समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या, रात में नींद ना आना, मानसिक तनाव, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से उभरने में बहुत मदद मिली है और लाइफ में एक तरीके की पॉजिटिविटी आई है। किसी कारण से अगर आप ये जूम क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ ऐसे रिकॉर्डेड कोर्स डेवलप किए हैं जिनको परचेज करने के बाद आप दिन में कभी भी, कहीं भी, कितनी बार इन वीडियोस को प्ले करके, जो कि मेरी वेबसाइट में अवेलेबल है, आप अपने योग का अभ्यास जारी रख सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं इन जूम क्लासेस के बारे में और रिकॉर्डेड कोर्स के बारे में, तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है, जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है ना, इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको मेरी टीम के द्वारा सारी की सारी जानकारी तत्काल भेज दी जाएगी। अब हम बढ़ेंगे अगले अभ्यास की तरफ, जिसका नाम है गौमुख आसन। इस आसन का अभ्यास आपको मदद करेगा आपके जननांग के दोनों साइड, आपके अंडकोश के दोनों साइड, लोअर एब्डोमेन पर हल्का हल्का दबाव डालने पर, और इस दबाव से आप महसूस करेंगे कि कुछ देर दबाव हुआ और फिर जब रिलैक्स करेंगे तो इम्प्रूव होगा ब्लड सर्कुलेशन। कैसे करेंगे गौमुख आसन का अभ्यास, ज़रा देखें। इंग्लिश में इसको कहते हैं काउ फेस पोज। अब क्या करेंगे, अपने क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठे हैं, अपने लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ा है और अपनी लेफ्ट एड़ी को राइट कूल्हा कमर की तरफ, हिप की तरफ ऐसे हल्का सा अंदर की तरफ लेके गए और अपने राइट घुटने को लेफ्ट घुटने के ऊपर रख देंगे ऐसे, ऐसा। तो आप जैसे ही ऐसा रखेंगे आप महसूस करेंगे एक बहुत ही अच्छा दबाव अपने जेनिटल के आसपास, और आप देखिए कि
दोनों घुटने कैसे एक दूसरे के ऊपर हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है गौमुख, गाय के मुख जैसा। इस तरीके से ऐसे रखने के बाद रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा। अब चूंकि राइट घुटना ऊपर है तो राइट हाथ को अपने दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में ऐसे उठाइए और इस तरीके से प्लेस कीजिए, ऐसा पीछे से देखिए, ऐसा रखना है, ऐसा। और अगर दोनों हाथों को ऐसे जोड़ना है और ऐसे फंसा देना है इस तरीके से, और होल्ड करके रखना है इस तरीके से, होल्ड करके रखना है दोनों हाथों को जितना करीब हो सके, और घुटनों को एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट करते रहें, अगर पीछे भी हो जाए तो एडजस्ट करते रहें। इस अभ्यास को कम से कम एक मिनट एक साइड होल्ड करके रखिए, मिनिमम, कम से कम नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। जब एक तरफ ये अभ्यास हो जाए तो दूसरी तरफ, अब राइट घुटने को ऐसे नीचे रखेंगे और उसके ऊपर लेफ्ट घुटना रखेंगे, ऐसा ऐसा। और फिर उसके बाद, अब लेफ्ट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हाथ को ऐसे ऊपर लेके गए और एल्बो से मोड़ दिया, कुहनी से मोड़ दिया, और राइट हाथ को पीछे लेके गए और जितना हो सके ऐसे ओपन करके रखें चेस्ट को, सामने देखते रहें, ब्रीदिंग करते रहें, ऐसा ऐसा। जब दोनों साइड ये अभ्यास हो जाए तो आप इसमें एक और वेरिएशन कर सकते हैं कि ऐसे बैठ गए और फिर उसके बाद आपने दोनों हाथों को पीछे से एक दूसरे के साथ जोड़ लिया और फिर उसके बाद धीरे 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 सामने की तरफ झुकते जाएं तो इससे और दबाव पड़ेगा, ऐसा। सांस लेते हुए उठें और सांस छोड़ते हुए ऐसा, सांस को रोक के रखें, फिर सांस लेते हुए उठें और सांस छोड़ते हुए, सेम अभ्यास। जब एक साइड कर लें तो इसी को दूसरी साइड रिपीट करना कभी भी मत भूलिएगा। ऐसा किया, सांस लिया और सांस छोड़ दिया, सांस लिया और सांस को छोड़ दिया, ऐसा। तो इस अभ्यास को करने के बाद आपको दोनों पैरों को बॉडी के सामने स्ट्रेच करना है और रेस्ट करना है। अब हम बढ़ेंगे अगले अभ्यास की तरफ जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम मीन्स पीछे की पूरी मांसपेशियां, उत्तानासन स्ट्रेच करना, अपने दोनों पैर की एड़ियों को और अंगूठों को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया और फिर उसके बाद दोनों हाथों को स्ट्रेच किया, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं, पैर के अंगूठे को पकड़ लें और अपने माथे को घुटने की तरफ इस तरीके से ऐसे पुश करें, इस तरीके से ऐसे, तो एक दबाव महसूस करेंगे। अगर आप, आपका हाथ अंगूठे तक ना पहुंचे तो हाथ अगर यहाँ तक भी पहुंचे तो यहाँ तक होल्ड करें और सामने देखते रहें, ऐसे। तो दबाव आप ऑटोमेटिकली आप अपने अंडकोश के आसपास महसूस करेंगे, ऐसा। इसमें भी नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ एक मिनट तक रुकें और इसको तीन बार रिपीट कर लें, जैसे गौमुख आसन को तीन बार किया था उसी तरीके से पश्चिमोत्तानासन को भी कर लें। जब पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास हो जाए तो फिर अब हम अभ्यास करेंगे पूर्व उत्तान आसन का। तो अभी बैक की मसल स्ट्रेच हुई, अब हम आपके सामने की मसल्स को स्ट्रेच करेंगे। तो अपने दोनों पैरों को इस तरीके से स्ट्रेच किया जो कि पश्चिमोत्तानासन का काउंटर प्रैक्टिस है, और अपने दोनों हाथों को बॉडी के पीछे इस तरीके से रख लिया, शोल्डर्स को ओपन किया, वाइडली ओपन किया, और फिर उसके बाद अपने चेस्ट को ओपन किया इस तरीके से, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी कमर को उठाना है और अपने पूरे लोअर बैक को इस तरीके से, अपने पूरी की पूरी कूल्हे की जो मांसपेशी हैं इनको टाइट करना है और पेट को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करके वहाँ पर आपको ध्यान लगा के रखना है, हल्का सा लिफ्ट करें ऐसे, गर्दन को ढीली छोड़ दें और फिर ड्रॉप कर दें। दो बार और अभ्यास करें इस तरीके से, सांस लें, रोकें सांस को और सांस को छोड़ दें। ध्यान दीजिएगा आपके पैर के एड़ी और अंगूठे जुड़े रहें, सांस लें और सांस को छोड़ दें। तीन बार ये अभ्यास करने के बाद अपनी योगा मैट पर लेट जाएं और रेस्ट करें। हम
हम अभ्यास करेंगे सर्वांगासन का। अपनी टी शर्ट को टक कर लें अपनी पैंट पर और फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों को मैट पर रखें और धीरे से अपनी कमर को लिफ्ट करें इस तरीके से और होल्ड करके रखें। जब तक आप होल्ड करके रख सकते हैं उतनी दूर होल्ड करके रखें और फिर धीरे ऐसे कमर को इस तरीके से ऐसे ड्रॉप कर दें। अगर आपसे सर्वांगासन नहीं हो रहा है, सर्वांगासन को भी आप 3 बार कर लें, एक एक मिनट तक होल्ड करके रखें या कि जितनी देर होल्ड कर सकते हैं। अगर आपसे सर्वांगासन जो है नहीं हो पा रहा है तो आप विपरीत करनी का अभ्यास कर सकते हैं। तो आपके पास इस तरीके से पिलो हो उसको रखिए आप कमर के नीचे इस तरीके से, और ऐसे रखने के बाद चाहे तो आप कुछ देर के लिए ऐसे आराम कर लें और फिर उसके बाद अपनी कमर को इस तरीके से उठा लें ऐसे इस तरीके से, और जितनी देर हो सके आप रहें। आप चाहें तो अपने दोनों पैरों को दीवार पर भी रख सकते हैं इस तरीके से ऐसा इस तरीके से, तो इससे भी आपको बड़ा आराम मिलने वाला है। ऐसा फिर उसके बाद अपनी कमर के नीचे से अपनी पिलो को हटा दें और फिर उसके बाद हम आखिरी अभ्यास करेंगे जिसका नाम है गरुड़ आसन, सुप्त गरुड़ आसन। तो अपने राइट पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर रखें ऐसे इस तरीके से, और फिर उसके बाद अपने राइट पैर को इस तरीके से अपने लेफ्ट पैर के अंदर ऐसे टक कर लें इस तरीके से ऐसे, और दोनों हाथों को सर के नीचे रखें या इस तरीके से मैट पर रख लें और फिर उसके बाद होल्ड करें जितनी देर होल्ड कर सकते हैं ऐसे। ब्रीद करें। इससे आपको बहुत ही अच्छा एक दबाव मिलेगा अपने अंडकोश के आसपास ऐसा। फिर यही अभ्यास जब एक साइड हो जाए तो दूसरी तरफ भी ऐसे उठाया और पैर को हल्का सा इस तरीके से ऐसे फंसा दिया इस तरीके से। अगर पैर ना अटक रहा हो तो इस तरीके से भी रख सकते हैं ऐसे, अगर पैर ना अटक रहा हो तो ऐसे होल्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद शवासन में लेट जाएं और आराम करें। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और अब आप ये सारे अभ्यास आसानी से कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को व्हाट्सएप ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि उनको भी इस तरीके की वीडियो से लाभ मिले। अगर आप बताना चाहते हैं कि आज की वीडियो कैसी लगी या आप ये भी बताना चाहते हैं कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं, मेरा प्रयास कैसा लगा, तो ये सारी चीज़ें नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करती हूं। जाने से पहले आपसे एक बार और रिक्वेस्ट कर रही हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में आप सभी से फिर से बहुत जल्दी मुलाकात होती है। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।